गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फोर हिंदी व्याकरण। सभी बच्चे पुस्तक ले लिए होंगे। पुस्तक का नाम है व्याकरण वाटिका। हिंदी व्याकरण की पुस्तक का नाम है व्याकरण वाटिका। और इसमें पहला लेसन है भाषा व्याकरण तथा लिपि। भाषा व्याकरण तथा लिपि, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं। एक माध्यम होता है, एक दूसरे से बात करने का जो माध्यम होता है वह भाषा होता है। जैसे मान लीजिए हमें अपनी माँ से पानी मांगना है तो हम बोलेंगे कि माँ एक ग्लास पानी दो, तो माँ बोलेगी ठीक है बेटा। तो जो पानी मांगने का माध्यम है और माँ की तरफ से जो उत्तर है, ये भाषा जो है दोनों के बीच के बात का माध्यम होता है। यानी पानी मांगने का अर्थ माँ समझ जाती है और उत्तर बोलती कि हाँ मैं दे रही हूँ, तो वो अर्थ बेटा समझ जाता है। इस तरह से भाषा मनुष्य को एक दूसरे से, दूसरे के विचारों से अवगत कराने का माध्यम होता है। भाषा तीन, या भाषा के तीन रूप कह सकते हैं, तीन भेद होते हैं। तो भाषा के तीन भेद क्या है? मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मौखिक भाषा हम मुंह के द्वारा बोलते हैं और बोलकर कुछ कहते हैं किसी को, फिर वहां से वह भी बोलकर हमें उत्तर देता है, तो ये भाषा का मौखिक प्रकार हुआ। और दूसरा है लिखित। पत्र के माध्यम से हम किसी को लिखते हैं और फिर उत्तर में वह भी लिखकर हमारे पास लिखित रूप से अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को लिखता है, तो ये भाषा का लिखित प्रकार हुआ। एक सांकेतिक भाषा है। ऐसे कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं कि सामने वाला बोल नहीं सकता है और सुन भी नहीं सकता है, जैसे गूंगा भी हो, बहरा भी हो, और हमें उससे काम करवाने हैं, उसकी भावनाओं को भी जानना है, तो हम एक सार्वभौमिक सांकेतिक स्वरूप को समझ लेते हैं और उसकी चीजों को, उसके हर एक्शन को समझ लेते हैं, तो उसकी बातों को, उसके संकेत को समझते हैं और संकेत में ही हम अपनी बातों को उस बहरे गूंगे व्यक्ति को समझाते और कहते हैं। तो ये जो हुआ संकेत के द्वारा एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझना हुआ, तो यह भाषा का सांकेतिक प्रकार हुआ। अब पुस्तक में आपके हैं, तो इस तरह से अब एक और चीज है, तो भाषा माध्यम हुआ, लेकिन भाषा पूरे पृथ्वी पर अनेक देश हैं और अनेक देश हैं तो वहां के भाषा भी अलग अलग हैं। जैसे यूरोप में अंग्रेजी है, जर्मन है, फ्रेंच है। भारत भी अनेक राज्यों का देश है, अनेक राज्यों में, हर राज्य में अलग अलग भाषाएं लगभग बोली जाती हैं। साउथ की राज्यों में अलग भाषाएं और नॉर्थ इंडिया में अलग भाषाएं, तो इस प्रकार से ये कई प्रकार के होते हैं। अब एक और चीज है कि भाषा तो जान गए, लेकिन भाषा को क्रम से अगर नहीं हम किसी को बोलेंगे जैसे, तो सामने वाले मेरी बात को नहीं समझ पाएगा। तो भाषा को क्रमबद्ध लिखने के लिए, बोलने के लिए, यानी शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाए, तो उसका भी एक शास्त्र है जिसको व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा ये हुई कि जिस शास्त्र से शुद्ध शुद्ध बोलना आए, शुद्ध शुद्ध लिखना आए और शुद्ध शुद्ध पढ़ना आए, उसको व्याकरण कहते हैं। अब आपके पाठ्य पुस्तक में है लिपि। अगला पॉइंट है लिपि। तो हम जो बोलते हैं ध्वनि निकलती है और ध्वनि को के चिन्हों को लिखते हैं वह लिपि है। यानी भाषा का लिखने का जो तरीका है उसको लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी में
इस तरीके में लिखा जाता है, इस लिपि को देवनागरी कहते हैं। इंग्लिश में एबीसी ए रोमन लिपि स्क्रिप्ट हुआ, और उर्दू अरबी हुआ, पंजाबी, इस तरह से जो भाषा के चिन्ह हैं उसको लिपि कहा जाता है। अगला ब्लॉक देखिए लिपि का जो है कि हिंदी का क्या लिपि होता है, तो देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन और उर्दू का फारसी। तो हम समझ सकते हैं कि आप मेरी बातों को अच्छी प्रकार समझ लिए। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हमको बताइएगा, पुनः अगले क्लास में आपके समस्याओं का निराकरण करेंगे। धन्यवाद।